दो अक्षर और तीन अक्षर के शब्द तो बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं और उसे अच्छे से समझ भी लेते हैं, लेकिन चार अक्षर के शब्दों को बिना मात्रा वाले पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम कैसे इजी वे में सीख सकते हैं आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें, और बहुत अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहें। चार अक्षर के शब्द जैसे बर त न, इन चारों को एक साथ पढ़ने में बच्चों को दिक्कत आती है। प न घट, इसमें या तो बच्चे कोई अक्षर स्किप कर जाते हैं या फिर उसे बोल ही नहीं पाते हैं, तो इसको हम कैसे इजी वे में पढ़ और लिख सकते हैं इसका मैं आज आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो बच्चों को उसकी पिक्चर देख के, उसकी फोटो देख के उसे बताइए कि ये क्या है। जैसे बर्तन, पन घट, नट खट, पलटन, धड़कन, झर झर, खटमल, तरकश, हलधर, ऐसे हर फोटो देख के बच्चे को उसका रिकॉग्नाइजेशन कराइए। उसके बाद लिखने के लिए आप बच्चों को, जैसे हम लिखेंगे बर्तन, तो हम चारों अक्षर अगर बच्चों को लिखना सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन अक्षरों को दो दो अक्षर में डिवाइड करना है। जैसे बर तन, ऐसे दो दो अक्षर करके बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे तो वो आसानी से सीख पाएंगे। जैसे पन घट, तो हम बच्चों को सिखाएंगे पन घट, तो दो दो अक्षर करके बच्चे जब पढ़ेंगे और लिखेंगे तो वो इजी वे में इसको सीख सकेंगे। जैसे हल, तो बच्चों ने दो अक्षर के शब्द में भी सीखा है तो उसको बहुत आसानी से आ जाएगा। और धर हल धर, ऐसे दो दो अक्षर करके हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं तो वो आसानी से सीख सकते हैं। अगर हम सोचें कि वो अलग अलग एक एक अक्षर को पढ़े तो भी वो बीच में से कोई ना कोई अक्षर छोड़ देता है या स्किप कर देता है। जैसे बोले त र क श, तो बच्चा त लिख लेगा, फिर र हो सकता है भूल जाए, क लिख दे फिर अक्षर भूल जाए, तो तर और कश, दो अक्षरों को बच्चा जल्दी से ही पकड़ लेता है और रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको दो अक्षर और तीन अक्षर के शब्द इजी वे में और लिखने सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।